हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है पलकेज एकेडमी, फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक्स को, जो कि हम लोग JEE या CET में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपके पास डेली कुछ ना कुछ न्यू ट्रिक्स, कुछ ना कुछ न्यू शॉर्टकट ट्रिक्स वो JEE और CET लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है वो है रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमें पता है कि जब भी हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना रहता है तो हमें माइनर, कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स एंड देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज, इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। लेकिन मैं जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ उसके लिए ये सब नहीं करना है अपने को सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है और आंसर फाइंड आउट करके उसका डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। वीडियो भले ही लेंदी हो या थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन एक बार वो समझ जाओगे तो उसके बाद आप सारे 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आराम से और एकदम ईजी वे से निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन। और शुरू करने से पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहला जो स्टेप है अपना, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी पहली रो है दैट इज R1 और R2 को रिपीट करना है, मतलब R1 और R2 को फिर से लिखना है अपने को। तो वो होने वाला है अपना, दैट इज वो होगा मैट्रिक्स इस तरह से कि हमें लिखना है 0 1 2, फिर 1 2 3, उसके बाद हमें लिखना है 3 1 1, जो कि पहला ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था वही है, राइट। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर से इस R1 को और R2 को क्या करना है, रिपीट करना है। तो दैट मीन्स वापस से क्या आने वाला है, यहाँ पे मैं वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि वो क्या आने वाला है, दैट इज़ वो आने वाला है फिर से 0 1 2 और 1 2 3, ठीक है। मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रो को रिपीट कर दिया। कौन सी रो को, R1 और R2 को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 और R2 को क्या करेंगे अपन, रिपीट करेंगे, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर लिया हम लोगों ने, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नाम दे देते, ये column 1 है, ये column 2 है और ये column 3 है। तो अभी हमें कॉलम को रिपीट करना है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, हमारे पास फ़िलहाल के लिए है ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया अपना, दिस इज 0 1 3 1 2 1 2 3 1, और फिर से आएगा अपना यहाँ पे 0 1 2 और ये 1 2 3। अब हमें क्या करना है, column 1 और column 2 को क्या करना है, रिपीट करना है। तो अभी column 1 और column 2 को रिपीट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, फिर से 0 1 3 0 1, और फिर मुझे मिलेगा 1 2 1 1 2। देखिए मैंने इस कॉलम को मैंने क्या कर दिया, फिर से रिपीट कर दिया। तो हमारे पास अभी जो मैट्रिक्स बना है वो 5x5 का बना है, ठीक है। अभी जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास वो कौन सा बना है, 5x5 का बना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी एक ट्रिक यूज़ करेंगे। उस ट्रिक के लिए हमें क्या करना है, तो इनके सेक्शन बनाने हैं, लाइक इनके सेक्शन बनाएंगे, मतलब ये इसको और इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अब इस तरह से ये सेक्शन बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दो दो का बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि ये दो हो गए, फिर ये दो हो गए, फिर ये दो हो गए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1x1 इसको सॉल्व करेंगे। तो 1x1 सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। अब इसका हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। सी, अब इसका जो डिटरमिनेंट है कैसे फाइंड आउट होगा, देखो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 2 3 1 1। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसका डिटरमिनेंट होगा ये 2 और ये 3 और बीच में माइनस, ये होगा -1। तो ये हो गया मेरा -1। हम रो वाइज जा रहे हैं, हम जा कैसे रहे हैं, रो वाइज जा रहे हैं। और हमें लिखना कैसे है यहाँ पे,
हेड जॉइंट के लिए कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज कैलकुलेशन करना है और उसको लिखना है, राइट इट कॉलम वाइज, राइट इट कॉलम वाइज, ठीक है। अब देखो इसका हो गया, अब इसके बाद किसका नंबर है, अब इसके बाद है अपना दूसरी चीज़ों का नंबर, दैट इज वो हो गया अपना 3113। तो ये हो जाएगा मेरा 3 3 9, ये 1 बीच में माइनस, दैट इज 8, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 8, ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे 8। उसके बाद फिर से मेरा किसका नंबर आ रहा है, 1 2 3 1 का, 1 2 3 1 का, तो 1 2 3 1 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6, ये हो गया मेरा -5, तो ये हो गया मेरा -5, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, इसी तरह से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब हमको इनको देखना है, इन दोनों को, दैट इज 1 2 2 -1, तो ये हो जाएगा मेरा 2 - 1 हो जाएगा 1, इनका कैलकुलेशन हो गया 1 0 - 6, तो 0 - 6 होने वाला है, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 1 और ये 0, दैट इज 3। उसके बाद बारी आती है इनकी, तो ये हो जाएगा अपना, दैट इज 1 3 हो गया 3, 3 - 4, दैट इज -1, फिर इधर 2 - 0, दैट इज 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 - 1, दैट इज -1। तो ये जो भी आया है ये तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए है, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी के कौन से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो ये इजी वे है अपना एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको R1 R2 को रिपीट करना है पहले, तो रिपीटेशन में नीचे लिखेंगे, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आया उसका कॉलम 1 कॉलम 2 बनाना है, तो उसको रिपीट करना है, उसको लिखना है, और फिर पहली रो और पहली कॉलम को टेम्पररी डिलीट करना है ऐसे समझो, या टेम्पररी इग्नोर करना है, और उसके बाद जो भी बचेगा उसके 2x2 के मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट बना के उसका सॉल्यूशन करना है, जो भी सॉल्यूशन रो वाइज होगा उसी को आपको लिखना है कॉलम की तरह, बस इस तरह से आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना या आपको मेरा शॉर्ट ट्रिक्स अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।